हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नवीद करो और आपको दिखाने जा रहा हूं कोरोना के कुछ रंग, लोग कैसे कितने सेल्फिश हैं और कितने अच्छे हैं। ये एक रूम है जिसमें दो बेड लगे हुए हैं, एक पेशेंट ऑलरेडी एडमिट है। मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि एक पेशेंट को ज़रूरत है बेड की, प्लीज़ बेड दे दीजिएगा, ये खाली बेड है। उन्होंने नहीं देने दिया, बोलता है कि मैं अपने रूम में किसी को नहीं आने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। देख लीजिए आप, ये है सेल्फिश समाज कोविड का, जो दूसरों को बोलते हैं। और अब दिखाता हूँ आपको दूसरे पेशेंट, बिल्कुल उसका उल्टा। हाँ जी नमस्ते सर जी। नमस्ते सर, नमस्ते डॉक्टर। ये मेरे पेशेंट हैं कोविड के और इनका अभी मेडिक्लेम है, छुट्टी मैंने करी है, इनको अभी 4-5 घंटे लगने हैं। आप देख सकते हो इनका बेड, लेकिन इन्होंने अपना बेड खाली कर दिया है दूसरे पेशेंट के लिए पहले से ही, और बेचारे यहाँ सेटी पे इंतज़ार करेंगे जब तक इनका मेडिक्लेम हो ना जाए। ये बिल्कुल उल्टे हैं दूसरे पेशेंट से, जिन्होंने बिल्कुल मना कर दिया जबकि वहाँ पे एक बेड भी था। तो मैं इनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप भी बोलो थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो मैं ये मिसाल लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ कि अगर आप ठीक हो गए हो तो दूसरों को भी ठीक होने का मौका दो। ऐसे मत बनो कि बस जी मैं ही हूँ और मैं किसी को अंदर एंटर नहीं करने दूंगा अपने रूम में। लोगों के, मैं सच्ची बता रहा हूँ, तुझे पता ना नीचे उस सदाजी ने क्या ड्रामा करा, क्या करा उसने बताना जरा। वो ये कहते हैं कि अगर दूसरे पेशेंट को लाओगे तो नहीं, और जबकि वहाँ पे एक बेड खाली पड़ा हुआ है। नीचे एक रूम में दो बेड थे, वहाँ पे एक पेशेंट एडमिट है, उन्होंने मना कर दिया कि मैं दूसरे पेशेंट को एंटर नहीं करने दूंगा जबकि बेड खाली है, और यहाँ पे बेड भी नहीं है, देख रही है। ये बेचारे सेटी पे बैठ के अपना इंतजार करेंगे। ये भी, और